गेंशिन इम्पैक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रीमोजेम्स। इस गेम में प्लेयर्स को सिर्फ दो ही चीजों की परवाह है, प्रीमोजेम्स और वाइफूज एंड हस्बैंडोज लड़कियों के लिए। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर चाहिए तो तुम्हें प्रीमोजेम्स की जरूरत होगी। एंड लीक्स के हिसाब से फाउंटेन की जो आर्कॉन है वो अर्ली रिलीज होने वाली है, और जो भी कैरेक्टर तुम्हें फाउंटेन से चाहिए उसके लिए तुम्हें प्रीमोजेम्स जमा करना होगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम बहुत सारे प्रीमोजेम्स बहुत ही कम टाइम में कलेक्ट कर पाओगे। ऑल राइट वीब्स, फाउंटेन यानी कि जो नया मैप है गेंशिन इम्पैक्ट का, वो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। इसका मतलब है कि बहुत सारे चेस्ट भी रिलीज होंगे। जो बक्से हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इवेंट्स होंगे, वर्ल्ड स्टोरी होगा, आर्कॉन स्टोरी होगा, जो कि तुम्हें देगा बहुत सारे प्रीमोजेम्स। इस गेम को बेसिकली जब से बर्फीला पहाड़ निकला है तब से मैं खेल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं वाइल एक्सप्लोरिंग एंड कलेक्टिंग प्रीमोजेम्स, और मैं चाहता हूँ वो गलती तुम ना करो फाउंटेन में। तो सबसे पहले हम मैप्स की बात करते हैं। फाउंटेन का जो फर्स्ट मैप निकलने वाला है वो ऑफकोर्स बड़ा होने वाला है, लीक्स के हिसाब से तो यही लग रहा है। तो पहला काम तुम्हें यही करना है, चेस्ट को और चैलेंजेस को मत इग्नोर करना, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, जिसमें मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट स्टोरी खेलते हैं। जब भी नया रीजन रिलीज होता है और स्टोरी खेलने के चक्कर में, इवेंट्स खेलने के चक्कर में, मैप्स को हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, और तब तक नया मैप भी आ जाता है। लाइक पहला मैप तो किया नहीं, अब दूसरा मैप भी आ गया, तो इससे होता क्या है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम विदाउट एनी इंटरेस्ट हम किसी भी वेबसाइट का यूज करके चेस्ट के लोकेशन पे जाके बस प्रीमोजेम्स कलेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि तुम इंजॉय नहीं कर पाते गेम को, तुम्हारा ध्यान सिर्फ चेस्ट को कलेक्ट करने में है, एंड तुम मिस कर जाते हो ब्यूटीफुल सीनरी। जो रीजन की ब्यूटी है वो तुम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है इसका, वो है कि तुम जैसे ही फाउंटेन में जाओगे, जो भी चेस्ट मिले, जो भी चैलेंजेस मिले, पजल्स मिले, उनको तुम वहीं सॉल्व करो, कलेक्ट करो। बहुत बार हम सोचते हैं सबसे पहले मैं स्टोरी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ आके मैं एरिया एक्सप्लोर कर लूँगा। स्पॉइलर अलर्ट, तुम कभी नहीं करने वाले। तो प्लीज़, लाइफ में हम लोग लेजी हैं, इस गेम में नहीं बनते हैं। जहाँ भी तुम्हें चेस्ट चैलेंजेस मिले, प्लीज़ गो एंड डू इट। बट इतना ही करना काफ़ी नहीं होगा, सिंस फाउंटेन में चेस्ट 240 होने वाले हैं, सीली ये जो अजीब से दिखने वाली चीज़ है वो 24 होने वाले हैं, एंड जहाँ तक वे पॉइंट्स की बात है यानी कि टेलीपोर्ट, वो 38 होने वाले हैं। तो उसको ओपन करने के बाद मेक श्योर कि जब भी तुम फाउंटेन में स्टोरी करने के लिए डिफरेंट एरियाज में जाओगे तो वे पॉइंट्स का यूज़ ज़रूर मत करना। मगर क्यों? हाँ, मैं समझता हूँ पहाड़ पे चढ़ना, ट्रिकी एरियाज में जाना मुश्किल है, और ऊपर से एनिमीज तुम्हारा पीछा ऐसा करते हैं जैसे कुत्ते जब तुम उनके पास से बाइक चला के जाते हो। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मैप एक्सप्लोर करने का और मोर प्रीमोजेम्स भी जमा करने का। नाउ चलो, मैप हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट दी अंडरग्राउंड, जो कि इनाजुमा में बहुत था और सुमेरु में तो बहुत ही ज्यादा था, तो इसे कैसे क्लियर करें? क्योंकि सुमेरु जब आया था मैं तो पर्सनली आर्कॉन स्टोरी में ही बिजी था और मैं ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत ही बिजी था, सही में बहुत। लेकिन मैंने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की, मैंने डायरेक्ट खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश की अंडरग्राउंड एरियाज को, चाहे वो सुमेरु हो या डेजर्ट। ऐसा तुम लोग मत करना, प्लीज़ डू द वर्ल्ड क्वेस्ट, क्योंकि जब तुम वो करोगे तो खुद से ही तुम अंडरग्राउंड प्लेसेस में जाओगे और वहाँ के सारे चेस्ट
और डोमेन्स तुम क्लियर कर सकोगे और ऊपर से तुम्हारा वर्ल्ड क्वेस्ट भी हो जाएगा। बाय द वे तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ तुमने ये प्लेस खोला है। ये एक पार्ट है एक्चुअली आरानारा क्वेस्ट का आई थिंक, और अगर नहीं खोला है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने वर्ल्ड क्वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। नाउ मैप्स, अंडरग्राउंड एरियाज और वर्ल्ड क्वेस्ट हमने कवर अप कर लिया है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो कि तुम्हें बहुत सारे प्रीमोजेम्स तो देगा ही बट और भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स देगा, जो कि है हाइड्रोकुलस। नाउ इसका ये ऑफिशियल नेम है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हर रीजन में इनका नाम डिफरेंट होता है, लेकिन अभी के लिए इसे हम हाइड्रोकुलस बुलाते हैं। और मैं हाइड्रोकुलस इमेज का यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे लीक्स के इमेजेस यूज़ करूँगा तो यूट्यूब पक्का बुरा मान जाएगा। तो लीक्स के हिसाब से फॉन्टेन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकुलस होने वाले हैं। अगर तुम्हें लगा था सुमेरू में बहुत ज़्यादा गोले थे, तो फॉन्टेन में तो तुम्हारा और भी लगने वाला है, और स्पेशली उन लोग की जिनके पास एनिमो कैरेक्टर्स नहीं हैं। मेरे केस में लाइक मैं तो एनिमो गॉड हूँ, मेरे पास खाजुआ है, वेंटी है, वॉन्डरर है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए। और अगर तुम्हारे पास ये कैरेक्टर्स नहीं हैं तो प्लीज़ डरो और डरो, क्योंकि सिर्फ हवा में तुम्हें हाइड्रोकुलस कलेक्ट नहीं करना है, फाउंटेन में मे बी तुम्हें पानी के नीचे भी जाके कलेक्ट करना होगा। तो मेरा सजेशन सिंपल है, जहाँ भी तुम हाइड्रोकुलस लेते हो वहाँ पे मैप खोलकर मार्क कर दो, तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ से तुमने ऑलरेडी हाइड्रोकुलस कलेक्ट कर दिया है। नाउ मुझे नहीं पता जो पहला एरिया रिलीज़ होने वाला है उसमें कितने होने वाले हैं हाइड्रोकुलस, लेकिन एक बार जब तुमने पूरे मैप में कलेक्ट कर दिया उसके बाद तुम ऑनलाइन देख सकते हो कहाँ पे तुमने हाइड्रोकुलस छोड़ा है और वहाँ जाके तुम कलेक्ट कर सकते हो। एनीवेज इससे तुम छुपे हुए हाइड्रोकुलस को ढूंढ सकते हो। लास्टली जो सबसे ईजिएस्ट वे है प्रीमोजेम्स का वो है इवेंट्स, जो कि हमेशा आते रहते हैं। इसमें कुछ बात करने जैसा है नहीं, पर्सनली मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ ताकि मैं एक बार में ही वो पूरा इवेंट कर सकूँ। नाउ इस वीडियो के बाद तुम मैप्स, अंडरग्राउंड एरियाज और हाइड्रोकुलस ये सब तुम क्लियर कर पाओगे, लेकिन एक चीज अभी भी है जो कि क्लियर करना बाकी है, और वो है तुम्हारा इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूं मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।